चलो देखो, बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। बात करते हैं सॉल्यूट किसे कहते हैं, चलो समझो। लिक्विड में जिस सब्सटेंस को, जिस पदार्थ को घुलाते हैं उसे सॉल्यूट कहा जाता है, ठीक है। अब सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। जिस चीज़ में सॉल्यूट को घुलाया जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। जिस चीज़ में हम लोग सॉल्यूट को घुलाते हैं, डिजॉल्व कराते हैं, उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है हमेशा उसे डिस्पर्स पार्टिकल कहा जाता है। सॉल्यूट पार्टिकल को डिस्पर्स पार्टिकल कहा जाता है, जबकि सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम कहा जाता है, ठीक है। सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है किसी भी सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट से कम होता है। ज़्यादातर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो मात्रा होती है सॉल्वेंट से कम होगा, ठीक है। जबकि सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट का जो अमाउंट होता है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट से ज़्यादा होता है। जैसे सपोज कर लो, ज़्यादातर जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूट होता है, जितने भी सॉलिड पार्टिकल होते हैं सभी को सॉल्यूट कहा जाता है। जैसे शुगर है, साल्ट है, यूरिया है, अमोनियम है, क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, ये सब क्या चीज़ है, आपका सॉल्यूट है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल जो होता है उसे सॉल्यूट माना जाता है। अब जैसे देखो, वाटर की बात कर लेते हैं, वाटर आपका क्या चीज़ है, लिक्विड है, तो लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे सपोज कर लो कि साल्ट सॉल्यूशन का मतलब होता है साल्ट और वाटर मिला होगा इसमें, तो साल्ट और वाटर जो मिला होगा इसमें साल्ट क्या हो जाएगा, साल्ट तुम्हारा हो जाएगा क्या चीज़, सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और वाटर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। उसी टाइप से देखो, अगर हम चीनी पानी शुगर सॉल्यूशन कहते हैं तो शुगर सॉल्यूशन का मतलब कि शुगर जो होगा क्या चीज़ होगा, सॉल्यूट होगा, शुगर हमेशा सॉल्यूट, और वाटर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो, कहते हैं कि पानी में अगर नींबू मिलाते हैं तो नींबू क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। यानी कि किसी भी लिक्विड में जो पदार्थ को हम लोग घुलाते हैं, डिजॉल्व करते हैं, उसे सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। और सॉल्यूट को जिस पदार्थ में घुलाते हैं उस पदार्थ को, उस सब्सटेंस को कहा जाता है क्या चीज़, सॉल्वेंट कहा जाता है, ठीक है। जैसे सपोज कर लो, अगर किसी भी, जैसे साल्ट है, साल्ट को अगर हम वाटर में घुलाते हैं तो बनता है आपका क्या चीज़, साल्ट सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। इसमें साल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और साल्ट और वाटर को जब एक साथ मिलाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमेशा मिलकर बनता है क्या चीज़, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। इसी टाइप का कोई भी पार्टिकल हो अगर हम लोग लिक्विड में मिलाते हैं तो उसे सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर किसी भी सॉल्यूट को अगर पानी में घुलाते हैं तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है उसे कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है, एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। लेकिन अगर वाटर को छोड़कर, जैसे अल्कोहल में कोई अगर दूसरा पार्टिकल घुलाते हैं, डिजॉल्व कराते हैं, ठीक है, कोई भी सॉल्यूट हो, और किसी भी सॉल्यूट में हम लोग ऑर्गेनिक लिक्विड, जैसे सॉल्यूट है और अल्कोहल है, कोई भी सॉल्यूट ले लिया और सॉल्यूट को हमने अल्कोहल में डिजॉल्व किया, इनसे जो सॉल्यूशन बनेगा उन सॉल्यूशन को कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अगर वाटर में कोई चीज़ को डिजॉल्व करते हैं उससे जो सॉल्यूशन बनता है उसे कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और वाटर को छोड़कर किसी और लिक्विड में कोई सब्सटेंस को घुलाते हैं तो उसे कहा जाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आपको अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक लिक्विड होता है। तो ऑर्गेनिक लिक्विड में अगर किसी भी सॉलिड को डिजॉल्व कराते हैं तो उस सॉल्यूशन को कहा जाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर, मतलब साल्ट सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो इसमें साल्ट क्या हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा
सॉल्वेंट हो जाएगा। और साल्ट और वाटर को जब एक साथ मिलाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमेशा मिलकर बनता है, क्या चीज़ बनता है, सॉल्यूशन मिलकर सॉल्यूशन बनता है, क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। इसी टाइप का कोई भी पार्टिकल हो अगर हम लोग लिक्विड में मिलाते हैं तो उसे सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर किसी भी सॉल्यूट को अगर पानी में घुलाते हैं तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है उसे कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है, एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है, एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। लेकिन अगर वाटर को छोड़कर जैसे अल्कोहल, अल्कोहल में कोई अगर दूसरा पार्टिकल घुलाते हैं, डिजॉल्व कराते हैं, ठीक है, कोई भी सॉल्यूट हो, और किसी भी सॉल्यूट में हम लोग ऑर्गेनिक लिक्विड जैसे सॉल्यूट है और अल्कोहल है, कोई भी सॉल्यूट ले लिया और सॉल्यूट को हमने अल्कोहल में डिजॉल्व किया, इनसे जो सॉल्यूशन बनेगा उन सॉल्यूशन को कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अगर वाटर में कोई चीज़ को डिजॉल्व करते हैं उससे जो सॉल्यूशन बनता है उसे कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और वाटर को छोड़कर किसी और लिक्विड में कोई सब्सटेंस को घुलाते हैं तो उसे कहा जाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आपको अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक लिक्विड होता है। तो ऑर्गेनिक लिक्विड में अगर किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स को, किसी भी सॉल्यूट को डिजॉल्व कराते हैं तो उस सॉल्यूशन को कहा जाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर, मतलब चलो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इन्हीं के बारे में बात करते हैं। सॉल्यूशन हम लोग देख चुके हैं, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जब किसी भी सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूट होता है, जब सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो हमारा बनता है क्या चीज़, सॉल्यूशन बनता है, क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। जैसे देखो सॉल्यूट है, जैसे सपोज कर लो कि साल्ट हमने मिलाया, पानी में मिलाया, तो आपको जो बनेगा सॉल्यूशन क्या बनेगा, साल्ट सॉल्यूशन बनेगा। तो इसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि नमक और पानी मिलाया तो हमारा बन गया नमक पानी सॉल्यूशन, ठीक है। तो साल्ट क्या हो जाएगा, तुम्हारा सॉल्यूट हो जाएगा और सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन बनने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन बनने के लिए साल्ट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, ठीक है। सॉल्यूशन तभी बनेगा जब कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर हमेशा सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं। तो देखो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब पहले पढ़ा चुके हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। जैसे कि देखो जब कोई दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो मिक्स हुए सब्सटेंस का हमें पता नहीं चलता है कौन सब्सटेंस कहाँ है, नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग कहते हैं कि साल्ट और कहते हैं कि पानी मिलाते हैं, तो इस सॉल्यूशन में, साल्ट सॉल्यूशन में हमें साल्ट का पता नहीं चलता है कि साल्ट कहाँ है। ऐसे मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं और उन मिले हुए सब्सटेंस का फेज नहीं पता चलता है, बाउंड्री पता नहीं चल पाता है, अलग अलग सेपरेशन नहीं पता चल पाता है, तो उसे होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। हम लोग उनको माइक्रोस्कोप की सहायता से भी हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है। चलिए देखिए आखिरकार सॉल्यूट जो पार्टिकल होता है किसी भी सॉल्यूशन में उनका साइज लगभग कितना होता है। इनका जो साइज होता है लगभग एक नैनोमीटर से भी कम होता है। किसी भी सॉल्यूशन में जो लोग सॉल्यूट घुलाते हैं, डिजॉल्व कराते हैं, उनका जो साइज होता है लगभग एक नैनोमीटर से भी छोटा होता है डायमीटर में, साइज में, ठीक है। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10^-9 मीटर, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनको हम लोग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, खुली आंखों से तो दूर की बात है। हम लोग माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो उसमें घुले हुए सॉल्यूट का पार्टिकल्स हम लोग को नज़र नहीं आएगा। माइक्रोस्कोप की सहायता से भी हम लोग सॉल्यूशन के पार्टिकल नहीं नज़र आएंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन जो होता है हम लोग कभी भी इसको कहते हैं कि फिल्ट्रेशन पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे सपोज कर लो कि शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन को अगर हम लोग कहते हैं कि फिल्टर पेपर पे अगर हम पास कराते हैं तो पूरी तरीके से पास हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें से चीनी छट जाएगा और पानी नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम लोग सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते, क्लियर। चलो फिर बात करते हैं, सॉल्यूशन जो होता है बहुत ही स्टेबल होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत ही स्टेबल होता है। ऐसा नहीं है कि अगर चीनी और पानी मिलाते हैं तो चीनी क्या होता है कि आपके चीनी और पानी अगर मिलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि चीनी जो है आपके बॉटल में जाके सेटल डाउन कर जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
अगर हम उसको कहते हैं कि क्यों, इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनके पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही स्टेबल होते हैं, बहुत ही स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी मत सोचना कि चीनी और पानी अगर मिलाते हैं तो चीनी क्या हो जाएगा, बॉटम में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। चलिए फिर बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, जिसका हमें सॉल्यूट का पार्टिकल दिखाई नहीं देता है। बहुत ही कहते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन, जैसे कि पानी में अगर हम लोग चीनी मिलाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि पानी में चीनी घुलने के बाद हमें चीनी के पार्टिकल नहीं दिखाई देते। ठीक है, इसलिए नहीं दिखाई देते हैं कि जो चीनी के पार्टिकल होते हैं वो इतने छोटे छोटे टूट जाते हैं, क्योंकि उन छोटे छोटे टूटने के बाद जो वाटर के पार्टिकल होते हैं उनको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, इसलिए हम लोग को चीनी के पार्टिकल दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो जो भी कोई ट्रू सॉल्यूशन होता है ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं पानी और नमक मिलाते हैं तो हमें नमक डिसअपीयर हो जाता है, जब साल्ट सॉल्यूशन बनता है तो हमें नमक उसमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए नहीं दिखा देता है क्योंकि बहुत ही छोटे टुकड़े में टूट जाता है नमक, और नमक टूटने के बाद क्या होता है कि उनके जो आर्टिकल होते हैं पानी के उनको कवर कर लेता है, उनके बीच में जाके एडजस्ट हो जाता है, जिसके कारण हमें नमक का या किसी भी सॉल्यूट का हमें पार्टिकल नज़र नहीं आता है। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है कभी भी लाइट पे स्कैटर नहीं करता है, यानी कि लाइट को अपने से जब गुजारते हैं किसी भी सॉल्यूशन से, अगर लाइट को गुजारेंगे तो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, यानी कि छितराएगा नहीं। ठीक है, लाइट को स्प्रेडिंग आउट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब है ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर, अगर बात कर लेते हैं जैसे कि शुगर सॉल्यूशन है, चीनी और पानी मिला दिए हैं, चीनी पानी और चीनी और पानी से अगर हम लोग लाइट मारते हैं, इधर से टॉर्च मारते हैं सपोज कर लो, ठीक है, टॉर्च मारते हैं फोकसिंग करते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि इस तरफ से लाइट जो हो जाएगा फैल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लाइट को स्कैटर नहीं करता है ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर, बंद करो।